नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब काम चल रहा है अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन इस बीच बात एक बार फिर से शिक्षा विभाग की करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग एक बार फिर से कड़ा नाराज हुआ है। कड़ी नाराजगी शिक्षा विभाग ने जाहिर की है, और शिक्षा विभाग की नाराजगी इस बार किसके लिए है? शिक्षा विभाग ने इस बार बीपीएससी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उनमें कई शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को भी लगा दिया गया है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग की नाराजगी सामने आई है। और क्या कुछ कहा है शिक्षा विभाग ने, क्या कहा है शिक्षकों को लेकर, क्यों कह दिया है कि शिक्षक ये काम नहीं करेंगे, जरा समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, 1,70,000 पदों पर हो रही बहाली में प्रमाण पत्र सत्यापन का काम चल रहा है, और इसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही शिक्षकों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने अब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से इस पर आपत्ति जताई है। विभाग ने बीपीएससी से कहा है कि वो शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन काम में शिक्षा अधिकारियों, कर्मचारियों और टीचरों को न लगाए, उन्हें इस काम से मुक्त करे। विभाग ने आयोग के सचिव को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, और पत्र में क्या कहा गया है, कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई है कि सभी जिलों में शिविर आयोजित कर आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। इस कार्य में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, कर्मियों और यहां तक कि कुछ जिलों में शिक्षकों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। ये किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ना ही शिक्षा के हित में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि सभी जिलों में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों को नियमावली 2023 के नियम के विपरीत प्रमाण पत्रों के सत्यापन में लगाए जाने की स्थिति को देखते हुए अविलंब इस कार्य से उन्हें मुक्त किया जाए। कार्य मुक्त की कार्रवाई के बाद इसकी सूचना विभाग को दी जाए। ये तमाम निर्देश जो है जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग की ओर से, और शिक्षा विभाग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है अपनी। बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि लगातार अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कर रहा है, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई है किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम चल रहा है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। और ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, कई जिलों में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को तो लगाया ही गया है, अधिकारियों को लगाया ही गया है, लेकिन कई जिलों में शिक्षकों को भी इस काम पर लगा दिया गया है, जिसके खिलाफ अब शिक्षा विभाग ने मुखर होकर अपनी बात कही है। के पाठक की कार्रवाई की बात लगातार चल रही है, के पाठक के फरमानों की बात लगातार चल रही है, लेकिन शिक्षा विभाग जो है अब शिक्षकों को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करना चाहता है, और ना ही शिक्षकों को किसी ऐसे कार्य में लगाना चाहता है जिसके बाद पढ़ाई जो है वो बाधित हो, शिक्षकों का काम जो है वो बाधित हो और शिक्षण पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े। और यही कारण है कि बीपीएससी को इसके लिए पत्र लिखा गया है शिक्षा विभाग की ओर से, और साफ कहा गया है कि जितने भी शिक्षकों को आपने इस ड्यूटी में लगाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले काम में लगाया है, उन्हें तुरंत ही मुक्त करिए, तत्काल उन्हें इस काम से हटाइए ताकि शिक्षण कार्य जो है बाधित ना हो सके। तो देखिए, बड़ा अपडेट है, शिक्षा विभाग अब बीपीएससी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है शिक्षकों के मुद्दे पर, और शिक्षकों को जो ड्यूटी लगा दिया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उन पे कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। बीपीएससी को कहा गया है कि आप इस काम से शिक्षकों को तुरंत ही मुक्त करिए, उन्हें छोड़िए। अब देखिए आगे क्या होता है, बीपीएससी ये बात मान लेता है या नहीं मान लेता है, उसके बाद शिक्षकों का क्या रुख होता है, शिक्षा विभाग की बात पर कितना अमल हो पाता है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।